हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं टी टेस्ट के बारे में कि एसपीएसएस के अंदर टी टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं और जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं हम, उनका क्या मीनिंग है, उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, टी टेस्ट हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा वन सैंपल टी टेस्ट, दूसरा होता है हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और थर्ड होता है हमारा पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट को हम यूज़ करते हैं जब किसी सैंपल के मीन को हम किसी पॉपुलेशन के मीन के साथ कंपेयर करना चाहें, तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। और जब दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन को हम कंपेयर करना चाहें, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और जब एक ही ग्रुप को दो बार मेजर किया गया हो, जैसे एक ही ग्रुप है हमारा, उसको प्री और पोस्ट फेज में मेजर किया गया है और उनके मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो जो तीनों तरह के टी टेस्ट हैं हमारे, तीनों की ही जो रिजल्ट्स के जो आउटपुट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम हैं। तो इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के आउटपुट्स के साथ वर्क करेंगे कि उनका क्या मीनिंग होता है। तो पहले हम देखते हैं कि एसपीएसएस के अंदर टी टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो ये हमारा डेटा है बास्केटबॉलर्स का और फुटबॉलर्स का। 100 तो बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं और 100 फुटबॉल्स के प्लेयर्स हैं। टोटल 200 प्लेयर्स हैं हमारे पास और उनकी हमने हाइट मेजर की है इन सेंटीमीटर्स के अंदर। तो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनकी हाइट का जो मीन है और जो फुटबॉल के प्लेयर हैं उनकी हाइट का जो मीन है, इन दोनों के मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो चलिए पहले हम परफॉर्म करते हैं हमारा टी टेस्ट। तो टी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको एनालाइज टैब के अंदर कंपेयर मीन में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे तो एक सेपरेट विंडो ओपन होगी, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको दिखेंगे एक तो टेस्ट वेरिएबल का ऑप्शन और एक ग्रुपिंग वेरिएबल का। पहले बात करते हैं टेस्ट वेरिएबल की। टेस्ट वेरिएबल में आप जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे इस केस में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हाइट है, हाइट को हम इसमें पुट करेंगे। इसमें देखिए ये ब्रैकेट्स में एस लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वेरिएबल्स की एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी आप इसमें एक साथ है रन कर सकते हो। नीचे हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल, ग्रुपिंग वेरिएबल में आप ग्रुप जो आपके हैं, जैसे इस केस में हमारे फुटबॉल और बास्केटबॉल हैं, दो ग्रुप्स हैं हमारे, तो उसको जो ग्रुपिंग वाला वेरिएबल है उसको आप यहाँ ग्रुपिंग वेरिएबल में पुट करोगे। उसके बाद एक और ओपन होगा हमारा डिफाइन ग्रुप्स वाला। तो डिफाइन ग्रुप्स में आपको जो भी आपने इनको कोडिंग दी है डेटा एंट्री के वक्त, डेटा एंट्री के इसमें जो भी आपने कोडिंग दी है वो आप यहाँ पर पुट करोगे। ये डेटा एंट्री देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो दैट हाउ टू एंटर डेटा इंटू एसपीएसएस वो देख सकते हो। तो उसके बाद सिंपली आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे आपको ये जो इसके रिजल्ट्स हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के वो शो होंगे। इन रिजल्ट्स को हम एक बार एक्सेल में कॉपी कर लेते हैं ताकि इनकी जो कैलकुलेशन को और इजी तरीके से हम समझा सकें या फिर अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये हमने इसको एक्सेल में इनको पेस्ट कर लिया है, इन टेबल्स को जो हमारी एसपीएसएस की आउटपुट्स की जो टेबल आई है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की, उनको हमने एक्सेल में पेस्ट कर लिया है। तो चलिए अब जो हर एक जो वैल्यू आई है उसका क्या मीनिंग है ये पता करते हैं। तो देखिए जब आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को परफॉर्म करोगे तो बेसिकली आपको टू टेबल्स मिलेंगी। पहली टेबल होगी आपकी ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, या फिर हम इसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर मेजर्स होंगे आपके सेंट्रल टेंडेंसी के और डिस्पर्जन के। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन होगा और डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होगा। और दूसरी टेबल होगी हमारी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जो इसकी मेन टेबल है। इसके अंदर टी टेस्ट और जो फर्दर जो स्टैटिस्टिक्स है वो होगी। तो पहले बात करते हैं ग्रुप स्टैटिस्टिक्स की और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहला जो कॉलम है हमारा वो है हाइट। हाइट हमने मेजर की है बास्केटबॉल और फुटबॉल की। और जो एन है हमारा, एन डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो बास्केटबॉल के 100 हैं और फुटबॉल के भी 100 हैं। उसके बाद ये इनका मीन है। मीन आपका सेंट्रल वैल्यू है, जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है। ये बास्केटबॉल का जो मीन है वो 172 है और फुटबॉल का जो मीन है 168.50 है। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन शो करता है वेरिएबिलिटी, कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी
ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये इनके मीन से कितना डिफर कर रही हैं, कितना वेरी कर रही हैं, ये चीज़ हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एक टर्म है हमारी पॉपुलेशन के लिए, कि जो हमने ये सैंपल कलेक्ट किए हैं, ये सैंपल हमने किसी न किसी पॉपुलेशन से लिए हैं, तो क्या ये जो ये मीन है ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पॉपुलेशन के मीन को, क्या पॉपुलेशन का भी यही मीन है? तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जितना कम होगा, ये जितना क्लोज टू जीरो होगा, उतना ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हमारा सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी पॉपुलेशन को। इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये वैल्यू कहाँ से आई है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इसके फॉर्मूला के बारे में मालूम होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के लिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ टोटल एन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 8.86, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है जो एन का स्क्वेयर रूट है। तो एन का स्क्वेयर रूट आप निकालोगे, हम बास्केटबॉल के लिए इसका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं, तो एन का स्क्वेयर रूट है होगा आपका 10, क्योंकि जो टोटल एन है वो 100 है और 100 का स्क्वेयर रूट होगा 10। 10 से डिवाइड करोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन को, 8.86695 इसको जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपको आएगी 0.88, क्योंकि आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये एक डेसिमल से राइट साइड में आ जाएगा। उसके ऐसे ही आप फुटबॉल का भी मेज़र कर सकते हो। उसके बाद है हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की टेबल। तो उसमें देखिए, जो सबसे पहला कॉलम है हमारा वो है लिविंस टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। मोस्टली ऑफ स्कॉलर ये समझते हैं कि ये है हमारा, कि जो हमारे दोनों जो सैंपल्स हैं उनके अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, वो इसको इसके वे में समझते हैं। लेकिन ये डिफरेंट चीज़ है, जैसा कि हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं कि दैट डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसी तरह से टी टेस्ट की भी अपनी एक अजम्पशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली तो है ही, उसके साथ एक एडिशनल अजम्पशन भी है कि इक्वल वेरियंस, कि दोनों जो ग्रुप्स हैं बास्केटबॉल और फुटबॉल, इनका जो सब्जेक्ट्स हैं दोनों ग्रुप्स के अंदर जो वेरियंस है वो इक्वल होना चाहिए। वेरियंस को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि उनके स्कोर के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए और दोनों होमोजेनियस स्कोर ग्रुप होने चाहिए। अगर ये वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 से कम है, जैसा कि इस केस में है क्योंकि एफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये आपकी वैल्यू 0.000 है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो इक्वल वेरिएंस है वो इन दोनों के बीच में नहीं है, बास्केटबॉल और फुटबॉल में इक्वल वेरिएंस नहीं है। तो जब इक्वल वेरिएंस नहीं है तो नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड। तो इस केस में हम जो टी की वैल्यू है हमारी वो इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड वाली जो वैल्यू है उसको कंसिडर करेंगे, और उसके आगे जितने भी स्टैटिस्टिक्स है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये हम इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड वाला कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से इसकी जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है वो हम इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड वाली कंसीडर करेंगे। अब सपोज करो कि ये वैल्यू आपकी 0.05 से ऊपर होती है, तो इट मीन्स कि दोनों के बीच में वेरिएंस जो है वो इक्वल है। उस केस में हम जो हमारी टी की वैल्यू है, इक्वल वेरिएंस वाली जो टी की वैल्यू है और जो फर्दर जो स्टैटिस्टिक्स है उसका यूज करते हैं हम। तो चलिए, अब टी की वैल्यू आई है हमारी 3.505। अब ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम सिग्निफिकेंट टू टेल्ड का जो हमारा ये कॉलम है इसका यूज़ करते हैं। अगर ये सिग्निफिकेंट टू टेल्ड ये वैल्यू आपकी 0.05 से नीचे है, जैसा कि इस केस में है, तो जो हमारी हाइपोथीसिस थी, जो नल हाइपोथीसिस है हमारी कि दैट देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, वो रिजेक्ट हो जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो बास्केटबॉल की हाइट है और फुटबॉल की हाइट है उनमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है, क्योंकि बास्केटबॉल का मीन ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। उसके बाद है हमारा मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस हमारा जो दोनों मीन है इन दोनों का सिंपली डिफरेंस है। और उसके बाद है स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, जब आप टी टेस्ट को यूज करते हो तो टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा मीन वन माइनस मीन टू और डिवाइड बाई इट्स स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला भी एक
फॉर्मूला होता है जिसमें आप वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वेयर करते हो, जिसे हम वेरिएंस बोलते हैं, और उसको डिवाइड करते हो आप टोटल जो एन है हमारा सैम्पल वाइज एन है उसके स्क्वेयर रूट से, उसको हम स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं अगर आप टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हो तो जो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस को आप डिवाइड अगर स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस से कर दो तो आपको प्रोवाइड होगी टी की वैल्यू। तो चलिए एक बार हम करके देखते हैं टी की जो हमारी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस को आप डिवाइड करोगे उसके स्टैंडर्ड एरर से। तो ये देखिए इस केस में आपको ये वैल्यू टी की वैल्यू प्रोवाइड होगी 3.505। ये छोटा मोटा डिफरेंस हो सकता है इसमें क्योंकि ये जो डेसिमल्स हैं वो 3 और 4 पॉइंट्स तक हैं। उसके बाद है लास्ट हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द डिफरेंसेज। ये वैल्यू क्या है हमारी कि जो हमारा ये मीन डिफरेंस है, ये मीन डिफरेंस कि अगर हम इस टेस्ट को 100 टाइम्स कंडक्ट करें तो 95 टाइम्स ये जो डिफरेंस आएगा ये हमारा 1.65 to 5.91 के बीच में आएगा। ये इसकी एक रेंज है, ये एक लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है कि जो मीन डिफरेंस होगा वो हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि वो जो ये हमारा लोअर बाउंड है और अपर बाउंड इसके बीच में लाई करेगा। तो चलिए अब दोबारा से हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट टू टेल के बारे में। अब ये टू टेल वाला फंडा क्या है इसको समझते हैं कि इसको समझने के लिए हम एक एक्सेल में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है मेगास्टेट, उसकी हेल्प लेते हैं। तो मेगास्टेट में हम जाएंगे और जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी के अंदर टी डिस्ट्रीब्यूशन उसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमारी जो टी की वैल्यू है वो है 3.505। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है हमारा 0.05, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारा 95%। तो दोनों ये सिनोनियम ही है एक दूसरे के। तो ये इसकी जो रिजेक्शन रीजन्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम नीचे टू टेल पर सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो DF है वो 198 है और जो हमारी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है। तो इसके बाद हमें प्रोवाइड होंगी हमारे टी टेस्ट की जो रिजेक्शन रीजन्स हैं वो। तो ये देखिए अब इस उसमें आप ये देख सकते हो कि जो ये डार्क सर्कल्स हैं जो हमारे नॉर्मल कर्व में, मैं इनको कलर कर देता हूँ, रेड कलर से इंडिकेट कर देते हैं इनको, ये हमारे रिजेक्शन रीजन्स हैं कि अगर आपकी टी की वैल्यू 1.972 प्लस और माइनस से ज़्यादा या कम होगी, अगर ये इनसे और अगर ये माइनस 1.972 से कम है या फिर ये प्लस 1.972 से ज़्यादा है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारी जो हाइपोथीसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि उसके बाद ये जो हमारी एक्सेप्टेंस रीजन है वो ये जो बीच का एरिया है हमारा इसको हम ग्रीन से शो कर देते हैं। ये ग्रीन एरिया हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर हमारे टी की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी इस ग्रीन एरिया के अंदर तो उसके बीच में हमारा जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा दोनों मीन्स के अंदर। अगर हम दोनों कॉर्नर की बात करें ये हमारा टू टेल कहलाता है कि हम लोअर पोर्शन को भी इंक्लूड कर रहे हैं और हायर पोर्शन को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि अगर आपकी टी की वैल्यू इससे लोअर होगी और अपर होगी तो दोनों वे में वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो चलिए हम टी की वैल्यू को भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा टी कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो टी को देखने के लिए आपको दोबारा से मेगा स्टेट में टी डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करना होगा। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो टी की जो गिवन पी वैल्यू है, अब जो हमारा टी है वो टी कहाँ पर लाई कर रहा है यहाँ पर, अब वो देखते हैं हम। तो ये देखिए ये हमारा टी है यहाँ पर 3.505। ये जो टी की वैल्यू होती है वास्तव में ये हमारी जेड की वैल्यू होती है। अगर ये हमारी जो एक्सेप्टेंस रीजन से बाहर है तो इट मीन्स कि
जो हमारे जो हाइपोथीसिस जनरल हाइपोथीसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है। अगर ये इस एक्सेप्टेंस रीजन इसमें इस ग्रीन एरिया के अंदर ये लाई करती है तो इट मीन्स कि जो हमारी हाइपोथीसिस है वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो इस केस में हमारे जो टी की वैल्यू है वो देखिए 1.972 से ज़्यादा है, प्लस में है, और ये वैल्यू हमारी 3.505 जो कि हमारी रिजेक्शन रीजन के अंदर है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो वैल्यू है टी की वैल्यू है वो हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।